पंजाब में जीत के साथ केजरीवाल की पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जिसकी सरकार दो राज्यों में है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ये जीत कई मायनों में खास है और भविष्य की सियासत पर इसका क्या असर होगा, ये समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। चुनाव दर चुनाव मिलती हार और हर हार के बाद मंथन की बात करती कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी निकल गया, या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस ने पंजाब को थाली में सजाकर आम आदमी पार्टी को दे दिया। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माता जी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सोच बुदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित। पंजाब में चुनाव के ठीक 5 महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस को ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी की कमान संभाल रहे नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा था। इस लड़ाई में कैप्टन की विदाई हुई पर सिद्धू नई मांगे लेकर खड़े हो गए और कांग्रेस की इसी कलह को भांपते हुए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पंजाब के मैदान में कूद गई। इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है, इन पूरी सारी पार्टियों को। ये पूरा जो सिस्टम है आम अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। पंजाब में ड्रग्स की समस्या हो, रेत माफिया के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरती चली गई और इसके साथ पंजाब की जनता के सामने दिल्ली के विकास का मॉडल और मुफ्त की घोषणाओं का कॉकटेल देकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सारे सियासी और जाति समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। इस जीत ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की पार्टी होने का लेवल हटा दिया है बल्कि ये पहली बार होगा जब किसी क्षेत्रीय पार्टी की दो राज्यों में सरकार होगी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही नहीं बल्कि गोवा, उत्तराखंड और यूपी में भी काफी सक्रिय नजर आई। इससे पहले आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुकी है। आपका राजनीतिक इतिहास भले ही छोटा है लेकिन कम समय में ही पार्टी जीत के कई झंडे गाड़ चुकी है। 2014 में 4 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी लोकसभा में दाखिल हुई। 2017 में गोवा में भले ही खाता नहीं खुला लेकिन जनाधार मजबूत हुआ। 2017 में पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी बनने की बदौलत ही 2022 के लिए आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भले ही दाव नहीं लगा लेकिन 2020 में दिल्ली फिर से फतह करके आपने अपना दम दिखाया और अब पंजाब में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल की बात जुबान पर आने लगी है। मेरा सपना है, मेरे जीवन का सपना है, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी देश की बागडोर संभालें और जहां तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, गोवा उत्तराखंड में हमारा वोट शेयर बहुत बड़ा है 2017 के मुकाबले और कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल फोर्स बन के उभरी, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी दल के तौर पर उभर रही है और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की गद्दी पर दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें।
ये सही है कि पंजाब की जीत आम आदमी पार्टी के विस्तार की वजह बन सकती है, लेकिन केजरीवाल का आगे का रास्ता पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार के काम के हिसाब से ही तय होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के ऐलान करना अलग बात है और पहले से कर्ज के बोझ तले दबे एक राज्य को चलाना अलग। ये बड़ी चुनौती आगे है, फिलहाल मौका जीत के जश्न का है। ABP News, आपको रखे आगे।